उस बंदे की तलब बहुत तगड़ी होगी। और 2019 में मैंने अपना जॉब वगैरह क्विट कर दी, इवन की इंजीनियरिंग फील्ड बिल्कुल क्विट कर दी अपनी। तो मेरा नाम सनी सोल है और मैं होशियारपुर पंजाब से हूँ। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मैंने 4 साल हीरो साइकिल्स में काम किया है एज इन R&D डिपार्टमेंट एज ए डिज़ाइन इंजीनियर। और 2019 में मैंने अपना जॉब वगैरह क्विट कर दी, इवन की इंजीनियरिंग फील्ड बिल्कुल क्विट कर दी अपनी, और एज ए फुल टाइम आर्टिस्ट मैंने अपनी लाइफस्टाइल बना लिया। तो पिछले 1 साल से मैं एज ए फुल टाइम आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। और तो आपने आर्ट कब से स्टार्ट किया और आपकी जर्नी क्या रही? आर्ट देखिए, बचपन में सभी को ड्राइंग वगैरह लगती है, एज एन आर्ट सब्जेक्ट ही होता है, सभी बच्चे एज एन आर्टिस्ट उस पर वर्क करते हैं, सीखते हैं वो चीज़। लेकिन डिपेंड करता है कि जब वो चीज़ आपसे दूर हो जाए आप उसको कितनी देर तक होल्ड करके रख सकते हो। तो हमारे साथ ऐसे हुआ था कि 6th क्लास तक हमें आर्ट का सब्जेक्ट था और उसके बाद फिर वो ड्राइंग सब्जेक्ट हटा दिया था क्योंकि स्कूल में उससे आगे पढ़ाने वाले कोई टीचर्स नहीं थे और ना ही सब्जेक्ट वगैरह उसको ज़्यादा प्रोसीड किया जाता था। तो मैंने पूछा भी था अपने प्रिंसिपल से कि मुझे ये सब्जेक्ट आगे पढ़ना है, मुझे करना है। कहने बोल रहे कि टीचर नहीं है, अगर कोई आगे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे तो पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, खुद से स्टडी करनी होगी। और टिपिकल है काफ़ी सब्जेक्ट ही, क्योंकि थोड़ा सा इंजीनियरिंग फील्ड भी उसमें मतलब जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं और लाइव ड्राइंग वगैरह, तो थोड़ा सा एडवांस है वो चीज़ें, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मैंने उस वक्त क्या किया, मैंने अपना एक ड्राइंग पैड से अपना मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया कि वो मैं खुद अपनी जो भी मुझे पसंद आएगा, सीनरीज वगैरह जो भी पोर्ट्रेट वगैरह करने होंगे मैं उस पर करूँगा। तो एज एन आर्टिस्ट वो मेरा फर्स्ट अप्रोच था कि मैं अपने जो पैशन है, मेरा हॉबी है मेरी, मैं उसको अलाइव रख सकूँ। तो 10th क्लास तक वो मैंने किया, उसके बाद 3-4 साल मैंने उसको हाथ में लगाया क्योंकि अपना इंजीनियरिंग फील्ड में अपनी पूरा फोकस मेरा उसमें था। उसके बाद जब जॉब वगैरह लगी, थोड़ा सा टाइम वगैरह मुझे थोड़ा सा मिलना स्टार्ट हुआ। इवन कि जॉब लगने से पहले मैंने 1 साल GNA में लगाया, GNA मैंने 1 साल वो किया, कैट कैम्प का प्रोग्राम था। तो उसमें ऐसा था कि 2 बजे तक मेरी क्लासेस होती, मैं घर पहुँच जाता था 2 बजे तक, और उसके बाद टाइम काफ़ी मिलता था और जितना मुझे समय मिलता था मैं उसमें अपना थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह कर लेता, बट रेयरली, नॉट एवरी डे। और उसके बाद जब जॉब वगैरह लगी तो थोड़ी सी ना और तलब होने लगी कि ये काम करूँ उस पर और काम करूँ। तो इस तरीके से मेरी जर्नी चलती रही। तो आपने जब इंजीनियरिंग छोड़ा, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि ये क्योंकि आपने को आर्ट में ही जाना, एक्चुअली आगे बढ़ना है? एक्चुअली होता ये ना कि अगर एक ना किक स्टार्ट की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ के लिए, वो किक स्टार्ट मुझे पहले से मिला होता, लेकिन उसको थोड़ा सा एक पैशन में कैसे बदलना है कि मुझे ये चीज़ करनी है, अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऐड करनी। जैसे आपको बताया कि मैंने जब मैं कॉलेज में था तब मैंने 3 साल छोड़ दी इसको। अब मैं जब जॉब कर रहा था मैंने ये नहीं सोचा कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं सुबह 6:30 से रात के 8 बजे तक मैं जॉब के लिए बाहर रह रहा हूँ और घर आके मुझे टाइम नहीं मिलता, बट मैंने वो एक्सक्यूज़ ही नहीं रखी। मुझे किक स्टार्ट ऐसा मिल गया था कि जैसे सेलिब्रिटीज़ को मिलना, फर्स्ट टाइम मैं दिलेर मेहंदी साहब को मिला था और उनको मिला था मैं 2015 में शायद मिला था मैं, जब मेरी जॉब की अभी स्टार्टिंग हुई थी। और उनको मिलने के बाद मुझे इतनी तलब हुई थी कि यार इनको मैंने मिल लिया, उसके बाद मैं किसी और को मिलूँ, इसके और को मिलूँ। तो ऐसे थोड़ा सा मतलब कि एक लालच होता है कि यार आपके पास एक चीज़ है जिसके जिससे आप किसी को बना के उनकी अप्रिसिएशन ले सकते हो। आई थिंक उस वक्त के लिए मेरे लिए वो चीज़ ठीक थी क्योंकि एक स्टार्ट ज़रूरी था, तो वो चीज़ जितनी देर तक मेरे लिए काम की मैंने वो करता रहा, बट एट अ सर्टन पॉइंट वो चीज़ मैंने फिर बाद में छोड़ दी और मैं बिल्कुल एकदम रेयरली हो गया कि मैं रेयरली काम करूँ उस पर, नॉट एवरी डे। बीच बीच में ऑर्डर्स आ जाते थे लेकिन वो मैं कर लेता था। तो एक बार क्या हुआ, मैंने किसी को फॉलो किया था और रिक्वेस्ट गई थी और उसका बाद में मुझे रात को कॉल आ गया, वो बोले कि वीर जी आपकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी है, मुझे एक ऑर्डर करना है। तो उनका ऑर्डर करना, मैं 2017 क्वार्टर मंथ था, सेप्टेम्बर या अक्टूबर होगा, तो उस वक्त उनका ऑर्डर आया था और कलर पेंसिल पोर्ट्रेट का मेरा वो फर्स्ट ऑर्डर था। उससे पहले मैंने जो किए थे, मैंने 3 ड्राइंग बनाई हुई थी कलर पेंसिल पोर्ट्रेट की और उनका जो मैंने ऑर्डर किया वो मेरी 4th ड्राइंग थी।
और वो बनाने के बाद इतना तगड़ा रिस्पांस मिला ना जितने मेरे फॉलोअर्स थे, मुझे मतलब कि ऐसा ना लकी चांस था वो ऑर्डर मेरे लिए, और उस ऑर्डर के बाद लगातार मुझे काम आता रहा। तो ऐसा हुआ कि जॉब पे भी काम कर रहा हूँ और घर आके मैं ऑर्डर्स पे भी काम कर रहा हूँ, बीच बीच में ऐसा होता था कि मैं छुट्टियाँ भी ले लेता। तो ऐसा चलता रहा, लगातार ऑर्डर आते रहे। मुझे ऐसा होता कि 3 से 4 मंथ बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता था कि अपने लिए कुछ पोर्ट्रेट बना लूँ, और बीच में मुझे टाइम तो इतना होता था कि ऑर्डर करने के लिए कि जैसे कि पूरा दिन मैंने जॉब पे काम किया, रात को आके सिर्फ 2 या 3 घंटे काम किया, संडे को जो टाइम मिला मुझे 8 या 10 घंटे मैंने उस पर काम किया। तो ये चीज़ चलती रही, बट एक लेवल ऐसा आ गया कि मेरा मन करता था कि मैं अपने लिए कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करूँ, बट वो कर नहीं पाता था। और ऐसा होता था कि जब आपको पता ना कि आप में वो चीज़ है, आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन किसी मजबूरी के कारण नहीं कर पा रहे, और वो मजबूरी थी मेरी जॉब, तो वो रेशो जो थी ना मेरी जॉब का फोकस और मेरे आर्ट का फोकस, वो मेरे जॉब का 80% फोकस और 20% आर्ट का फोकस, वो इंटरचेंज हो गया था। मेरा 80% फोकस हो गया था अपने आर्ट में और 20% फोकस हो गया था मेरा जॉब में। तो और पूरा मुझे 100% अपना आर्ट में करना था, इसलिए मैंने बहुत मतलब कि कैलकुलेशन करी, एनालिटिक्स की, कि मैंने लास्ट ईयर 1.5 ईयर में मैंने कितने अर्न किए अपनी जॉब से, और मैंने अपने आर्ट के थ्रू कितने अर्न किए। मैंने अपनी जॉब को जॉब इवन की सिर्फ अर्निंग नहीं, मैंने अपनी आर्ट को टाइम कितना दिया और मैंने अपनी जॉब को कितना टाइम दिया। एवरी वीक मेरा जॉब को इन एक्चुअल 8 आवर्स होते हैं, जिसमें आधा घंटा लंच टाइम होता है, बाकी के मेरे 4 घंटे 4 साढ़े 4 घंटे आने जाने के। तो आप मान लो कि 13 आवर्स डे मेरे जॉब के लिए निकलते थे, उनमें से बाकी जो टाइम मिलता था 2 घंटे मैं अपना काम कर लेता था ऑर्डर वगैरह, और 2-2.5 घंटे, और बाकी जो टाइम मिलता था अपना सोना खाना पीना सारा उसमें। इवन कि मैं सोता भी रात को सिर्फ 4 से 5 घंटे था, और बाकी की नींद मेरी बस में पूरी होती थी। तो वो सारा चीज़ मैंने एनालिटिक्स की वगैरह उसकी, कि मुझे कितना बेनिफिट हुआ इसमें, क्या चीज़ें हैं। तो उसके बाद फिर मैंने ये सोच के डिसीज़न लिया। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना 2019 फेब मंथ में अपना जो रिज़ाइन दिया था, पहले तो मेरे HOD काफ़ी मेरे गुस्सा हुए, वो मुझे समझाने की कोशिश की, इवन कि उनका ये था कि मैं कोई गलती ना कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें वो जिस हिसाब से उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की, उन्होंने शायद नहीं कोई एग्जाम्पल ऐसी देखी होगी कि जो आर्टिस्ट लोग हैं, पहले का टाइम ऐसा था तो सारा ऑफलाइन मार्केटिंग होती थी, लेकिन अब की जो ऑनलाइन मार्केट है उनको शायद ये चीज़ की नॉलेज ना होगी, इसलिए वो मेरी फिक्र के कारण मुझे मना कर रहे हो। तो उनकी बातों से मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट भी हो गया और मैंने अपना स्टेप बैक कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मेरा ना मन मतलब माना कि यार करना तो करना है ये चीज़, अगर अभी नहीं की तो नेक्स्ट डे बाद में शादी हो जाएगी, फिर बाद में 60 साल 70 साल कहूँगा तब थोड़ा ये जाके ये चीज़ करूँगा जब रिटायरमेंट का होगा मैं। तो रिग्रेट मैं रखना चाहता अपनी लाइफ में, ये चीज़ सीखी है कि रिग्रेट अगर रह जाए ना तो लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं है, क्यों लाइफ अपनी रिग्रेट्स के जीनी है, रिग्रेट्स के साथ जीनी है अपनी लाइफ। तो ऐसा मेरा माइंडसेट मेरा बन गया था उस वक्त। तो उस वजह से मैंने अपना फिर रिज़ाइन दिया इन द मंथ ऑफ जुलाई, 24 जुलाई को मैंने रिज़ाइन दिया था, और उसी वक्त मुझे एग्जैक्टली 2015 फर्स्ट जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग थी, और मुझे 4 साल 24 दिन ऐसा कुछ हो गए थे। इवन कि जब मैंने रिज़ाइन भी दिया ना, उससे पहले मैंने पूरा 20-25 दिन मैंने छुट्टियां थी, क्योंकि मैं पूरा ऑर्डर्स में बिज़ी था। ऐसा मेरा हाल हो चुका था, मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो चुका था कि यार नहीं अभी करना तो ये करना है। और वो भी यार मेरे डिपार्टमेंट वाले बहुत सपोर्टिव थे, इवन कि मेरे मैनेजर कुणाल पुरी उनका नाम, और बाकी के भी मैनेजर काफ़ी सपोर्ट कर उन्होंने किया मुझे, इवन कि प्रोफेशनली भी और दूसरी तरीके से भी। तो उनके साथ माहौल काफ़ी अच्छा था, इवन कि जॉब में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरा इतना कि बेड ऑफ रोजेस वाली जॉब थी, हालांकि आना जाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वहाँ का जो जॉब का एनवायरनमेंट था इतना प्लेजेंट था, मज़ा आता था वहाँ पे काम करके, कोई प्रेशर नहीं फील होता था, अगर कोई काम ज़्यादा आ भी जाए तो ईजिली निकल जाता था, घर आके मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मेरा काम ये रह गया वहाँ पर, मतलब ऐसा था वहाँ पर साहब। नहीं तो आपको पता है कि जॉब करने वाले को कितनी दिमाग पर टेंशन होती, बॉस की टेंशन, ये चीज़ें वो चीज़ें। तो उस फेज के बाद फिर मैंने स्टेप ले लिया कि मैं एज ए फुल टाइम आर्टिस्ट में अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, तो और इसी में अपना नाम करना है। तो टाइम कैसे मैनेज करते थे उस टाइम पे? टाइम मैनेज करना कितना मुश्किल था आपका, मुश्किल रहा होगा? इसमें एक तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी विल पावर एंड दूसरी होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मुझे कि जॉब पे जाना है, मुझे पता था कि अगर जॉब पे 9 बजे पहुंचना है तो मुझे कितने बजे निकलना है, वो मजबूरी है, आपको अलार्म बजा आपको उतना ही पढ़ना जो मर्जी करो।
नहीं तो आप दूसरी बस में जाओगे, आपको सैलरी कट होगी वगैरह, वो सारी चीज़ें झंझट वगैरह हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है आपकी विल पावर। इतना सारा दिन आपने काम करके भी वहाँ पे, आप अगर रात को 8 बजे घर पे आ रहे हो, उसके बाद फिर जिम जा रहे हो, अपना खाना खा रहे हो, डिनर कर रहे हो, उसके बाद भी जो टाइम बच रहा है, आप 10 बजे के बाद आप 12 बजे तक काम कर रहे हो या 12:30-1 बजे तक काम कर रहे हो, उसके बाद फिर 1:30 बजे सो रहे हो, उसके लिए विल पावर ज़रूरी है। नहीं तो बंदे इतने बजे तक आगे कि यार सो जाइए, नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं अपनी नींद ज़्यादा रखना, अगर सुबह भी जा रहा होता हूँ मैं तो मैं आधा पौना या 1 घंटे में सो जाता था बस में, और घर पे आते वक्त भी आधा या 1.5 घंटे मैं बस में सो जाता था, सो दैट आई कैन गेन सम एनर्जी टू डू वर्क एट नाइट। तो ये सब चीज़ें थी इसमें, तो इससे काफ़ी हेल्प हुई अपने टाइम मैनेज वगैरह करने में। बट मेन ज़रूरी है कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है वो चीज़ करने के लिए। इवन की मजबूरी ये भी होती थी कि यहाँ ऑर्डर भी आ गया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकता था, और थोड़ा सा ये भी होता था कि हाँ चलो अपने आर्ट के साथ कनेक्टेड रहने का थोड़ा मुझे और मौका मिल रहा है। तो एक बताइए कि सेल्फ थॉट आर्टिस्ट और डिग्री होल्डर आर्टिस्ट में क्या समानता है? ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों सेम ही है? एक्चुअली हाँ दोनों सेम है, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस एक तो होता है कि पहले उनका माइंडसेट का, एक जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होता है उसका आप कह नहीं सकते कि वो कितनी एज में अपना सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बना हुआ हो सकता है कि वो टेंथ करने के बाद अपनी कोई और इसने स्ट्रीम ज्वाइन कर ली, ठीक है, और उसके या फिर जॉब करते करते जैसे मेरा था, मैंने पहले मैकेनिकल की, उसके बाद फिर 4 साल जॉब करने के बाद। मैंने तो जैसे मैंने पहले मैकेनिकल की, उसके बाद 4 साल मैंने जॉब करने के बाद फिर उसके बाद अपनी लाइन एकदम से मैंने चेंज कर ली, अपनी इंजीनियरिंग क्विट कर दी। लेकिन जो आर्ट वाले होते हैं, जो डिग्री होल्डर होते हैं आर्ट के, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग की होती है, उनका माइंडसेट पहले से होता है कि मुझे प्रोफेशन बनाना ही इसी में। तो उनका माइंडसेट मतलब पहले से होता कि यार अगर मैंने आर्ट ज्वाइन किया तो मुझे पता है कि मैंने अपना प्रोफेशन इसी में करना है, चाहे जैसे भी करूँ मैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस इन द स्टार्टिंग हो जाता है, बट उन दोनों में से एक चीज़ कॉमन नहीं हो सकती, वो है तलब। एक जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, बट सेल्फ टॉट आर्टिस्ट में भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो अपने एज ए हॉबी लेके चल रहा है वो, और एक एज ए प्रोफेशन कन्वर्ट कर रहा है। जो एज ए प्रोफेशन अपना कन्वर्ट कर रहा है अपने सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, उस बंदे की तलब बहुत तगड़ी होगी, उस बंदे का पैशन बहुत तगड़ा होगा दूसरे आर्टिस्ट के मुकाबले। मैं खुद मतलब उस टाइप का हूँ ना, तो मैं खुद ये चीज़ कह सकता हूँ, क्योंकि जो दूसरे आर्टिस्ट होते हैं अपने जिन्होंने ग्रेजुएशन की होती है, हालांकि मेहनत वो भी करते हैं, बट जो ऐसे आर्टिस्ट भी मैंने, मेरे और भी जो आर्टिस्ट हैं ना, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट जो भी बनते हैं, मैंने उनका भी पैशन वगैरह देखा, और जो नहीं है और जो दूसरे ग्रेजुएटेड है, मैंने उनका पैशन का बहुत देखा फ़र्क वगैरह। तो वो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंस होती है। एंड सेकेंड चीज़ होती है उनके लर्निंग प्रोसेस में। एक जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होता है उसका कोई एक मेंटोर कोई नहीं होता, उसका मेंटोर बस एक गूगल होता है, यूट्यूब होता है, वहाँ से किसी भी आर्टिस्ट को वो फॉलो कर सकता है, किसी भी आर्टिस्ट के टेक्निक्स को वो अडेप्ट कर सकता है। लेकिन जो ग्रेजुएटेड होते हैं वो सिर्फ जो उनके टीचर्स कहेंगे वो सिर्फ वही करेंगे, उनको ये कंस्ट्रेंट हो जाता है। अगर वो कहें कि नहीं हमें ऐसा करना है ऐसा करना, तो वो उनको पाबंदी लगाते कि नहीं आपने ऐसा नहीं करना, आपने ऐसे ही करना अगर मुझसे सीखना है। तो ये चीज़ें होती हैं, उसमें मॉडर्नाइजेशन भी थोड़ी सी कम रहती है आई थिंक, क्योंकि जो डिग्री वाले होते हैं उनके जो पुराने टीचर्स होते हैं उनको बहुत पुरानी चीज़ों का पता, जैसे कैमलिन का कुछ जो कॉमन ब्रांड्स होते हैं। लेकिन जो सेल्फ टॉट होते हैं वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करता है कि यार ये ब्रांड नहीं है, ये ब्रांड मुझे ये ट्राई करना है, वो ट्राई करना है, मैं हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करूँगा। मैंने आर्ट में मैं कौन से मीडियम में अच्छा हूँ, मैं कौन से मीडियम को कितना टाइम देना है, मैं वो चीज़ देखूँ, मैं असाइनमेंट्स नहीं बनानी मैंने, जैसे वो डिग्री वाले बनाते हैं असाइनमेंट्स करने लगते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। इवन कि हिस्ट्री पढ़ने का कोई दिक्कत नहीं है, वो हिस्ट्री दूसरा बंदा ही पढ़ सकता है जो सेल्फ टॉट है, अगर वो स्टडीज़ में अपना टाइम दे सकता है वो दे सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो अपने आप पे, अपनी विल पावर पे है कि आप टाइम देना चाहो कि नहीं देना चाहो। तो इन दोनों के लर्निंग प्रोसेस में ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। एक इन्फ्लुएंस्ड होता है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट है, किसी एक को रोल मॉडल भी बना सकता है, और दूसरा होता है जो डिग्री वाला होता है वो सिर्फ अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग काम करता है, बाद में जब ग्रेजुएशन वगैरह होगी उसके बाद अपने आप से अपने अकॉर्डिंग वो अपना कर सकते हैं। लेकिन वो 100% ये ट्रू भी नहीं है, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट डिफरेंट भी होते हैं। तो
100% फैक्ट नहीं कह सकता इस चीज को। आर्टिस्ट होने के नाते आप बिगनर आर्टिस्ट को क्या सलाह देना चाहेंगे कि बिगनर आर्टिस्ट क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्योंकि बिगनर आर्टिस्ट क्या करते हैं कि जो आर्टिस्ट है उनका ही देख के हाँ भाई यही पेंसिल यूज करना चाहिए, यही यूज करना चाहिए, तो आप क्या सलाह देंगे? एज ए अगर बिगनर कोई बंदा सीख रहा है तो उसको एक रोल मॉडल बनाना चाहिए, वो काफ़ी सारे आर्टिस्ट को फॉलो करे, जिस आर्टिस्ट का काम उसे ज़्यादा पैशनेट मतलब फैसिनेट करे ना। फॉर एग्जांपल मैं अपने बताऊँ तो मुझे इमैनुअल टस्कानी एक इटालियन आर्टिस्ट है, मुझे उसका काम बहुत फैसिनेट किया और 2013 से उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, पहले यूट्यूब पे उसके बाद इंस्टाग्राम पे, और अब तक उसका काम मुझे इतना ज़्यादा फैसिनेट करता है कि हाँ यार उस बंदे के जैसा मुझे कोई और नहीं लगता है। इवन कि और भी आर्टिस्ट अच्छे रहते हैं लेकिन उसके जैसे नहीं, बट एक बंदे को रोल मॉडल बनाना ज़रूरी है। अगर उसके जैसे रोल मॉडल बनाओगे आप उसको उसके जो मटेरियल्स वो यूज़ करता है आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि यार वो बंदा इस मटेरियल से कर रहा है तो मुझे मैं भी कर सकता हूँ। इवन कि ये 100% ट्रू नहीं है, बंदे को अपने स्किल्स पर भरोसा होना चाहिए कि मैं अपने स्किल्स पर कर सकता हूँ, बट अगर ये चीज़ हेल्प कर सकती है अगर किसी को रोल मॉडल बना ले उसके जो मटेरियल यूज़ कर रहा है वो ट्राई करे वो यूज़ करने की, अगर नहीं भी है तो उसके नियर अबाउट जो भी मटेरियल वो कर सकता है बट वो प्रैक्टिस करता रहे, उसको उसमें पेशेंस होना चाहिए, वो अपने आर्ट को एज ए हॉबी लेके चले, एक एस्केप एरिया लेके चले कि मैं अगर सारे दिन ये काम कर रहा हूँ मुझे इस काम में खुशी मिल रही है तो मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ, ना कि इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बाद में इसमें अपना बिजनेस क्रिएट करना है। जो बंदे सोचते हैं कि स्टार्टिंग में कि मुझे इसमें बिजनेस क्रिएट करना है, ऐसा करना वैसा करना, इवन कि उसका स्किल लेवल भी तब तक सेट नहीं है तो वो बंदा ग्रो नहीं कर सकता आई थिंक, क्योंकि अगर पैसा पहले आ गया ना दिमाग में तो वो उसका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा, उसका फोकस हो जाएगा उसके डिज़ायर्स पे ऊपर ना कि अपने स्किल्स के ऊपर। तो ये चीज़ उसको ध्यान रखनी चाहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहे, हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करे, अपना जो आर्ट का स्टाइल है वो खुद डिवेल्प करे अपना। पहले कॉपी करना अच्छा है क्योंकि कॉपी करने से आपको एक थोड़ा सा पाथ मिल जाता है, आपको इंस्पिरेशन मिल जाती है कैसे करना है, फिर उसके बाद आप अपना पाथ खुद क्रिएट कर सकते हो। तो यही है उनको कि अपना पेशेंस रखे, नई नई चीज़ें सीखते रहे, रोल मॉडल बनाए अपना, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहे, अपना यूट्यूब पे अगर हो सकते हैं वो भी रहें, अपना जितना टाइम दे सकें उस चीज़ को दो, अपने हर एक नए आर्टवर्क को जितना ज़्यादा टाइम दे पाएँ और जितना बेटर बना पाएँ अपने प्रीवियस आर्टवर्क से वो चीज़ करें। और एक और चीज़ थी, हाँ अगर कोई भी रेफरेंस वगैरह लेना है तो रेफरेंस वो लीजिए जिसमें आपका मन हो कि मुझे यही बनाना है, अगर वो चीज़ आप करोगे ना कि मुझे ये चीज़ बेस्ट बनानी है तो आप पूरा अपना 100% दोगे, और जो भी रेफरेंस लेना हाई क्वालिटी का लें, मतलब ये चीज़ें काफ़ी उसको हेल्प कर सकती हैं। बाकी ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं यूट्यूब पे सीखने के लिए। जी तो आपसे एक और सवाल है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप कॉलेज में उम्र की सीमा होनी चाहिए, मतलब आप जो कॉलेज में उम्र इतना ही होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो एज के डिफरेंट भी है वो भी आर्ट सीख रहे हैं आजकल, तो आर्ट कॉलेज में उनको एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता है? वैसे मैं सच बताऊं कि मुझे आर्ट कॉलेज से भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट अगर जनरली पूछो कि उनको मिलना चाहिए कि नहीं, तो आई थिंक ये आर्ट में आर्ट किसी भी फील्ड का हो, चाहे आर्ट इन पेंटिंग हो, आर्ट इन सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कोई भी हो, तो हर चीज़ के लिए वो आई थिंक वैलिड है, तो उसमें कुछ पाबंदी वगैरह कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। आर्ट कॉलेज में उम्र की सीमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्ट यार बता रहा ना कि बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, ये कोई भी उम्र का कभी बंदा ये कर सकता है, इवन के सदस्य हमने देखा है कि ज्यादातर माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चे को आर्ट फील्ड में जाने नहीं देते, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये आर्टिस्ट बन के क्या करेगा, क्या पेंटिंग करेगा, क्या नहीं करेगा, कितना कमा लेगा, उससे अच्छा तो इंजीनियर करेगा या डॉक्टर बने या कुछ बनेगा, उससे तो ज्यादा कमाई करेगा, आर्टिस्ट बन के क्या करेगा, उनके बारे में क्या कहना, क्योंकि हमारे गली मोहल्ले में कॉलेजेस में सभी ने एग्जांपल सेट किए हैं कि एक इंजीनियरिंग वाला बंदा स्टार्टिंग सैलरी 10,000 ले सकता है, उसकी अगर 8-10 साल काम करता रहे वो 70-80 हज़ार तक ही पहुँच सकता है, अगर बाहर चला जाए यूरोप में या फिर अमेरिका वगैरह में तो वो लाखों में कमा सकता है,
तो ये लोगों ने एग्जांपल सेट की हुई हैं, लेकिन आर्ट में किसी ने इतनी ज़्यादा एग्जांपल सेट नहीं की, इवन की हुई हैं मोहम्मद एम एफ हुसैन वगैरह या पिकासो जितने भी थे, बट वो बहुत कम है आर्टिस्ट यार। कोई बंदा अगर शाहरुख खान को देख के ये नहीं कह सकता कि यार अगर बच्चा कहेगा कि मुझे स्टार बनना है, ऐसे थोड़ा माँ बाप नहीं देंगे कि यार तू ऐसे ही बन जाएगा, मुंबई में इतने सारे लोग जाते हैं ऐसा। तो अगर उनके मोहल्ले का अगर वो बंदा के अगर गया हो ना, हमारे शाहपुर में एक हीरा कॉलोनी, तो वहाँ का एक मतलब आर्टिस्ट मतलब की एक्टिंग वगैरह करता है, बनाते नहीं उस फील्ड में जाने नहीं देते, क्योंकि भाई ये मोहित आर्ट फील्ड में जाके करेगा क्या, बंदा उसमें इतना कमा लेगा। अगर ऐसे बंदे हो हमारे मोहल्ले में किसी और का जिसको बंदा जानता हो, तो अगर वो चीज कर रहा है तो बंदा थोड़ा सा क्या कर लेता कि हाँ यकीन कर लेता कि हाँ यार चीज़ हो सकती है, उससे गाइडेंस मिल सकती है इस चीज़ में कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि माँ बाप को इतनी अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की। पहले पहले का माहौल भी ऐसा था, सारा ऑफलाइन था, आपको आर्ट एग्जीबिशंस में जाना पड़ता, पेंट्स इतने महंगे या कैनवास इतने महंगे, कैसे कमाएगा, या फिर अगर चलो स्टडीज़ इसमें कर भी रही तो क्या गारंटी है कि उस बच्चे की जो स्किल्स हैं वो निखर पाएंगी, क्योंकि एक आप आपके पास ऑप्शन बचती है कि आप एज ए टीचर लग जाओ, वो चलो लग सकते हैं अगर आपकी आपके जो नॉलेज अच्छी है उसमें ना पेंटिंग में, अगर आपकी नॉलेज भी ठीक है और अगर आपकी स्किल्स भी अच्छी है तो आप एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट बन सकते हो। तो एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट बनना वो प्रिडिक्टेड नहीं है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट बन सकते कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का अभी करंट कैसा है, उसका उसका पैशन कैसा है उसमें, वो उस चीज़ में पहुँच सकता कि नहीं पहुँच सकता। मैंने कई आर्टिस्ट देखे हैं जो काफ़ी साल हो गए काम करते, लेकिन उसकी आर्ट की क्वालिटी बढ़ी नहीं रही। आज से 4-5 साल पहले पहले भी जो आर्टिस्ट वगैरह देखे थे ना, तो उनके जो काम देख के मैं फैसिनेट होता था कि हाँ यार बहुत अच्छा कर रहा है वो, बढ़िया काम कर रहा है। अभी भी देख रहा ना तो अभी भी उसका लेवल बिल्कुल सेम है। तो मतलब ये इम्प्रूवमेंट का फैक्टर बहुत ज़रूरी है, अगर आप अभी अच्छा करें तो ज़रूरी नहीं कि आप बाद में भी अच्छा करो, वो आप पे डिपेंड करता कि आप कितना ज़्यादा उसके लिए पैशनेट हो कि आप और सीखने के लिए, या आप चलो आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर मुझे अपना प्रेडिक्शन करना हो तो मैं कर सकता हूँ, मुझे पता कि मैं कितना पागल हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन आपके माँ बाप नहीं है वो चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते इतना इजीली। तो उनको समझाने के लिए मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मेरा ऐसा था कि चलो उनके अकॉर्डिंग जो भी सलाह वगैरह दी मेरे ब्रदर मेरे कज़न ब्रदर के दोस्त ने कि इसको मैकेनिकल करा दो, पहले मेरा था आर्किटेक्चर, वो बोला कि आर्किटेक्चर में जॉब्स नहीं मिलती यहाँ पे, तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर लो, कुछ भी कर सकते हो, तो बिल्डिंग वगैरह भी मैन्युफैक्चर जो भी होती थी तो मतलब कि वैसी जॉब्स वगैरह मिल सकती थी जिसमें बिल्डिंग वगैरह बनानी हो, तो ऐसा अगर आप यहाँ भी कर सकते हो आप दुबई में भी जाके वहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं आप वो कर लो। उसके बाद किसी ने कहा कि नहीं यार उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है, आप मैकेनिक में कर करो, मैकेनिकल की यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं हमारे सिटी में और लोकल जो दूसरे आसपास की जो सिटीज़ हैं, आप वो चीज़ कर लो, वो चीज़ पैशनेटली करता रहा। मुझे ये था कि मेरे डैडी मशीनिस्ट हैं तो वो मैं भी यही कर सकता हूँ, मैं लगातार लगा रहा। फिर उसके बाद 4 साल मैंने जॉब भी की, बट उसके बाद अपने मम्मी को प्रूव करने के लिए कि मैं यार ये चीज़ कर सकता हूँ, मैंने उनको पूरा प्रूव किया। मैं पहले साइड वाइज करता रहा, जॉब भी करता रहा, ये भी करता रहा। घर वालों को क्या ज़रूरी है कि आप अच्छे से पैसा कमा पाओ, आपकी जो जॉब है वो सिक्योर रहे मोस्ट, तो वो चीज़ उनके लिए ज़्यादा होती है कि चलो फिक्र तो होती है हर अपने माँ बाप को कि अपने बच्चे का लाइफ अच्छा रहे, अच्छी बनी रहे। अगर आप एज ए टीचर बन जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप फ्रीलांस आर्टिस्ट बनना तो फिर थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि आपके उस ना तो उसमें जॉब सिक्योरिटी वगैरह कोई चीज़ें होती हैं, ना ही आपके फंड्स उसमें कट होते हैं, ना ही कोई फिक्स सैलरी आती है, तो उस केस में समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ऐसा कम एक होता ना कि एक कंटिन्यूस एफर्ट आप डालते रहो वो बंदे के दिमाग में बैठ जाती है वो चीज़ है और काम भी हो जाता है। मैं ऐसा ही करता था, मैंने अगर मैं जॉब छोड़ना थी ना, अगर मान लो कि मैंने 2019 में जॉब छोड़ी, मैंने उससे 6 से 9 महीने पहले मैं मम्मी के दिमाग में डालता रहा, मम्मी अगर मैं ये कर लूँ मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, अभी मैं इतने कमा रहा हूँ, मैं देखो मैंने इतने का ऑर्डर लिया, मैंने इतने दिन में कर लिया, और मेरे जॉब के मेरे 12 दिन की कमाई मेरे ये 3 दिन में मैंने पूरी कर ली मुझे मंथ में इतने ऑर्डर भी आ गए, मेरे पैसे पूरे हैं। तो मतलब कि अपने माँ बाप को प्रूव करना ज़रूरी है, आर्ट की कोई भी फील्ड हो, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या फिर कोई भी है। अगर डांसिंग में करना है तो ये नहीं को आप सोच सकते, आपका माँ बाप सोच सकते कि आप रेमो डिसूज़ा बन जाओगे या फिर टेरेंस बन जाओगे, जो भी माइकल जैक्सन बन जाओगे, आपको अगर प्रूव करके दिखाओगे तो वो सोच सकते हैं ये चीज़, अगर उनको दिखाओगे नहीं ना तब नहीं हो सकता। आप इसमें साइड हसल करते रहो, उनको फिर प्रूव करके दिखाओ,
देखिए मैंने एग्जीबिशन में ये पार्टिसिपेट किया था और मुझे इतना प्राइज रिवॉर्ड मनी मिला, मैंने ये साइड वाइज मैं कर रहा हूँ, मुझे अपनी जॉब से मैं 4x अर्न कर रहा हूँ इतना कम समय, 4x कम समय देने के बावजूद भी अगर मैं इसको फुल टाइम करूँ तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। तो यही चीज़ मैंने कि मैंने जैसे अपनी लाइफ स्टाइल सोची थी मैं वैसे लाइफ स्टाइल अभी जी रहा हूँ। अभी इसके आगे मैंने और कुछ सोचा हुआ तो मैं वो भी चीज़ करूँगा, बट विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। एवरेज पॉसिबल हो जाता है बस ड्राइंग करते हो तो आपके कमरे में अचानक कोई घुस जाए तो आपका रिएक्शन क्या होता है? मतलब आप एकदम बिजी हैं कि भाई ये बनाना ही है, आपका सारा फोकस उस पे है, अगर कमरे में घुस जाए तो आप डिस्टर्ब होते हैं या क्या रिएक्शन रहता है पहला रिएक्शन? वेल मैं हैबिचुअल हूँ क्योंकि जब भी काम कर रहा था मेरे मम्मी का आना जाना लग रहा था और मुझे टाइम का पता होता है कि अगर 1 या 1:30 बजे हैं मुझे चाय का टाइम है मम्मी आएंगे, अगर शाम का टाइम है 5:30 बजे तब मम्मी आएंगे चाय लेकर, आपसे बात होने से पहले ही मम्मी आए थे चाय वगैरह लेके, और रात को अगर 11-12 बजे मुझे तब पता कि मम्मी ने आना है मेरे पास और 9 बजे से पहले, मतलब ये टाइम ही मुझे पता है तो मैं हैबिचुअल हूँ उस चीज़ पर। अगर उनके अलावा कोई और आ जाए तो थोड़ा सा होता है, अगर एक पर्सन हो मेरे रूम में तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, एक से अगर दो भी हो जाएं अगर आप में आपस में करते रहें तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो थोड़ी सी अपनी उसकी वॉइस की टोन थोड़ी ऊंची हो तो मुझे मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, तो मैं कहता हूँ यार चले जाओ। मैं मोस्टली ये होता कि अपनी मेरी बहन हो वो मम्मी से जब बात करती ना तो उनकी कुछ और ही बातें चलनी शुरू हो जाती है, तो मैं उनको कहता कि यार चले जाओ मम्मी आप बैठे रहो इसको जाने दो चाहे बाद में बात कर लेना, तो ऐसा मैं वैसे प्रेफर नहीं करता कि कोई और मेरे पास बैठा हो क्योंकि मेरा अपना पर्सनल टाइम चल रहा होता है, मैं कुछ भी सुन रहा होता हूँ अपने यूट्यूब पर, मेरी कुछ भी लर्निंग चल रही है वो डिस्टर्ब ना हो, मेरा काम डिस्टर्ब ना हो। तो अगर वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अगर दोबारा दरवाज़ा एकदम से ओपन करो तो उसकी ग्लेयर आती है उसकी ड्राइंग में आती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ये, बट आई प्रेफर। तो आप ड्राइंग करना कब पसंद करते हैं, रात में या दिन में या फुल टाइम जब भी टाइम मिलता है तभी? देखिए हमारी ना बॉडी की टाइमिंग भी होती है, हम किस टाइम पे हम ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं, मैंने काफ़ी सारे अपने रूटीन्स वगैरह चेंज करके देख ली लेकिन मेरा ना प्रोडक्टिविटी निकल नहीं पा रही थी, तो इन द सेंस कि मैं अगर सोचा था कि मैंने एटलीस्ट 8 आवर्स ए डे मैंने काम करना है, तो मैंने काफ़ी सारे रूटीन्स चेंज करके कोशिश की कि सुबह जल्दी उठ के ऐसा करूँ रात को जल्दी सो जाऊँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। अभी रूटीन कुछ ऐसी है कि सुबह 8 बजे उठता हूँ, ठीक है 8 बजे उठ के अपना नाना धोना पा पूजा पाठ अपना मेडिटेशन वगैरह किया फिर खाना वगैरह खा के उसके बाद मैं फिर सो जाता हूँ थोड़ी देर, मैंने क्योंकि रात को मैं सिर्फ 6 या 6:30 घंटे सोता हूँ, उसके बाद की जो नींद है वो मैं खाना वगैरह खाने के बाद फिर 1-1.5 घंटा सो जाता हूँ, फिर मैं 12 बजे अपना काम स्टार्ट करता हूँ, तो फिर उसके बाद शाम तक मेरा काम चलता है ऐसे ही, फिर थोड़ा बहुत स्नैक टाइम हो गया, फिर उसके बाद डिनर करने तक 2-3 घंटे तब काम हो गया, फिर उसके बाद डिनर करने के बाद 10:30 या 1:30 बजे तक, तब मतलब ऐसा मेरा रहता है कि दोपहर से लेके रात के 1:30 बजे 1 या 1:30 बजे तक मेरा काम होता है। तो मतलब इस रूटीन में मेरा ये बेनिफिट है कि मैं जो भी चीज़ मैंने सोची हुई है कि अगर दिन में मैंने रीडिंग ऐड करनी थी वो मैं रीडिंग भी ऐड कर पा रहा हूँ, मेडिटेशन कर पा रहा हूँ और एक्सरसाइज करनी है, तो वो भी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं और मेरी प्रोडक्टिविटी भी 8 आवर्स डे एटलीस्ट निकल रही है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी बेस्ट मतलब जो फेवरेट आर्ट है वो हमको दिखाइए जरा, मतलब हमारे दर्शक भी देखना पसंद करेंगे, उसके बारे में कुछ बताइएगा, जानकारी भी दीजिएगा। जस्ट अ सेकंड, पहले मैं अपना चारकोल आर्ट को दिखाता हूँ, ये मैंने प्रियंका चोपड़ा का बनाया था। और ये वाला पोर्ट्रेट बनाया था, इसको मुझे 94 आवर लगे थे, और मेरे पास साथ हमेशा ऐसे ही होता कि जो भी मैं पोर्ट्रेट सोचा होता था उसको एटलीस्ट 6 से 8 मंथ मुझे लग जाते थे, उसके बाद मैं बना पाता था क्योंकि ऑर्डर्स में बिजी रहता था, और इसको बनाने में 94 आवर लगे, और मैंने बनाया भी था जब मुझे मेरे पास ऑर्डर्स नहीं थे, मैंने 1 से 1.5 मंथ मैंने इसमें पूरा लगा दिया। और इसमें मुझे खास बात ये लगती है कि इसके एक तो लिप्स की जो डिटेल्स हैं वो मुझे फैसिनेट काफ़ी करी, और हालांकि कुछ लोगों को नहीं पसंद आ सकते तो कह नहीं सकते, बाकी इसकी आइज़ हो गए, इसका जो लुक है एकदम इनोसेंट और एकदम इंटेंस लुक है ये थोड़ा सा देखने में, और इसके जो हेयर की डिटेल्स है एवरी डिटेल, मतलब उस चीज़ को बहुत टाइम लगा और इतने मन से चीज़ें की थी ना, इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये वाला आर्टवर्क।
तो एक और दिखाता हूँ, वो मैंने एक कलर कोड बनाया था उसका, रॉबर्ट डॉनी का। लेट मी शो यू। सो हियर इट इज। द बेस्ट, मतलब ये इसलिए पसंद है क्योंकि इसका जो स्माइलिंग फेस इसका ना, इसको 84 आवर लगे थे मुझे, मतलब इसके स्माइलिंग फेस के कारण मुझे ये ज़्यादा पसंद है। इसके जो इवन कि आप पोस्ट वगैरह देखो ना, इसके दांत की जो डिटेल्स वगैरह है, इस पर जो शाइनिंग आती है, वो देख के मतलब मन में खुशी होती है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है। इवन कि इससे और भी मेरे कुछ आर्टवर्क से जो मैंने बहुत हाई प्रिलीज में बनाए हैं, इवन कि वो क्लाइंट्स के ही ऑर्डर हैं, बट ये वाला में फील है। एक और आर्टवर्क आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी मुझे मतलब कि इन द क्या कहते हैं डिटेल्स के अकॉर्डिंग, ये भी मुझे बहुत पसंद है अपना ये वाला आर्टवर्क, क्योंकि इसकी आइज़ ने बहुत फैसिनेट किया था बनाने के लिए। सबसे पहले इसकी आइज़ देखी थी रेफरेंस की, उसके बाद मैंने सोचा था कि इसको बनाना है मैंने। तो ऐसे और भी मेरे कई सारे आर्टवर्क जो मेरे फेवरेट हैं, बट वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेवरेट है, जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं आर्टवर्क, वो मैंने आपको अभी दिखाए हैं। तो ये है, तो भाई एक आर्ट है आपका, मैंने इंस्टाग्राम पर भी देखा है, और वो आर्ट के देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई ये आर्ट एकदम बेस्ट है। वो जो शाहिद कपूर का आर्ट बनाया आपने जो शावर, वो एक बार दिखा दीजिए। हाँ जी, या ये भाई इवन की मतलब हाँ, इसमें डिटेलिंग आपने जो दिया है वो ओरिजिनल, और आपने जो बनाया है उससे बहुत डिफरेंट है ओरिजिनल में। या मैंने कोशिश पूरी थी कि उसके करीब बना पाऊँ, बट मैंने एक उसका भी बनाया था, उसका क्या कहते हैं फोटो वर्सेस आर्ट कंपेरिजन पिक्चर, आपने शायद वो देखी हो आपने पिक्चर। तो इसमें इसकी स्टोरी थोड़ी सी ऐसी है कि जब बना रहा था ना, तो पहले तो मैंने बहुत सर्च किया फ़ोटो कौन सी बनाऊँ, तो मुझे ये काफ़ी फैसिनेट की ये वाली पिक्चर। तो जब बना रहा था, मैंने 3-4 दिन हो गए बनाते हुए, तो मैंने सोच रहा था यार मैं क्यों बना रहा हूँ ये वाला, तो ऐसा मैं बीच में छोड़ने ही वाला था। फिर मैं कहा यार चलो छोड़ो यार, मन मार के मैं कर ही लेता हूँ। लेकिन उस ये बनाने के मतलब 6-7 महीने बाद तक भी इसके मुझे वो आते रहे कि अप्रिसिएशन पोस्ट मैसेजेस आते रहे कि बहुत अच्छा आपका ये वाला आर्टवर्क देखा। और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने वो वाला आर्टवर्क को मतलब ट्राई किया, रिक्रिएट किया उनको। तो ये थी इसकी स्टोरी। इवन जिस चीज़ को जब बना रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे, मैंने भी खुद भी इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट किया था, क्योंकि जब आपने थोड़ा सा भी बनाया था तभी भी मैंने देखा था कुछ अच्छा बन रहा है और जबरदस्त बन रहा है। या या सच में यार उस वक्त मतलब इतनी सारी अप्रिसिएशन मिलती ना, वो थोड़ा सा एक मोटिवेशन उनसे भी मिल जाती है, अगर मैसेज देख रहे हो कि हाँ यार इनको और मुझे ऐसे मैसेजेस और लेने इनसे, और मतलब इतना कि बंदे को सरप्राइज कर दो ये चीज़ दिखा के कि हाँ यार दिस इज़ द बेस्ट ऑफ मी। तो मेरे हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमेशा अपने जो व्यूअर्स को दिखा पाऊँ, अगर कुछ भी अपना प्रोजेक्ट है तो उसका 100% दे पाऊँ। तो आपके कमेंट्स वगैरह मिलने के बाद मुझे खुशी भी होती है कि हाँ चलो मैंने जो चीज़ सोची वो मेरी हुई। आपने इतना टाइम निकाला और हमसे बात की, इसके लिए आपका शुक्रिया, और आपका जितना भी आपने जानकारी दी है मोस्ट वेलकम, हमारे बिगनर और जो आर्टिस्ट है उनको अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। आशा करता हूँ आप और आगे बढ़े और लाइफ में इतना तरक्की करे कि कोई आपके आगे या पीछे कोई भी न रहे। अरे ये तो कह नहीं सकते कि आगे पीछे, बट बस मुझे लाइफ को ये और एक चीज आखिरी आखिरी चीज, मैंने देखा है कि आप सिंगिंग भी करते हैं और कुछ लिखते भी हैं। नहीं आप नहीं, 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 नहीं आप वीडियो देखे हैं वैसे आपके वीडियो कुछ गाते हुए नहीं, सिंगिंग का लिंक आपने 2-3 वीडियो डाले थे सिंगिंग है। अरे नहीं वो पोएट्री रिसाइटेशन कहते हैं उसको, पोएट्री में रिसाइट करता हूँ लेकिन सिंगिंग नहीं है वो। तो वो चीज़ का शौक है तो वो चीज़ कर लेता, लेकिन अभी सिंगिंग का इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि वो चीज़ है मैं उसको मैं कर पाऊँ। आई वॉन्ट टू लर्न दैट, बट
उसको टाइम लगेगा, मेरी अभी रूटीन इतनी सेट नहीं है कि मैं उसके भी टाइम दे पाऊँ, मुझे और सारी बहुत सारी। आप ये ड्राइंग करने के अलावा और क्या क्या हॉबीज हैं ड्राइंग के अलावा? मोस्टली देखिए डेली रूटीन का तो मैं बता दिया था कि मेडिटेशन वगैरह करता हूँ, बुक रीडिंग होती है, एक्सरसाइज कभी कभी कर लेता हूँ। अगर ये पूछो कि मुझे और क्या पसंद है इसके अलावा करना, बट मैं डेली नहीं करता, मुझे पोइट्रीज वगैरह शौक है, बट ये है कि इवन के 4 मंथ हो गए मैंने पोइट्री मैं लिख नहीं पाया पिछले 4 महीने से, क्योंकि इंस्पिरेशन चाहिए उसके लिए। तो बट मैं अगर ड्राइंग के अलावा कुछ पूछूँ तो बस मुझे ये पसंद है। बाकी गेम्स का तो होता ही है कि कभी पूल खेलने चले गए या फिर PC पर अपनी गेम प्ले कर ली, बट इन आर्ट मैं पोइट्री कहता हूँ कि इन आर्ट फील्ड मुझे एक अपना ड्राइंग पसंद है और दूसरा मुझे पोइट्री। थैंक यू सर, आप इतना टाइम निकल के हमसे बात किया और अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया आपका ही मुझे बुलाने के लिए। जी मुझे भी आपसे पहली बार बात हो रही है, मतलब इतने टाइम से आपके मैसेजेस वगैरह कमेंट मिलते हैं YouTube पे, सबसे पहले आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूं Instagram, मतलब जब से आपने जी दो तीन वीडियो अपलोड किए थे तब से ही मैं आपको फॉलो कर बजने वाले। ठीक है भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा और आगे भी हम बात करते रहेंगे। जी ख्याल रखिए। जी श्योर, ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर, बाय। ओके।